बासुकीनाथ नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती पूनम कुमारी जी, कर्तव्यनिष्ठ और कुछ करने की जज्बा रखने वाले हमारे युवा उपायुक्त श्री मुकेश कुमार जी, पुलिस अधीक्षक श्री कौशल किशोर जी, डीआईजी और उपस्थित सभी हमारे श्रद्धालु देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम इस बासुकीनाथ मेला जिसकी आज विधिवत उद्घाटन हुई, ये मेला शांतिपूर्ण आपसी भाईचारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम मेला का उत्सव का आनंद लें, ये आज मैं बाबा से आराधना करता हूँ। मैं भी फौजदारी बाबा के पास दरबार में आया हूँ। ये कहा जाता है कि बाबा बैजनाथ धाम का पूजा बिना फौजदारी बाबा बासुकीनाथ का पूजा बिना अधूरा है, और इस फौजदारी बाबा के पास मैं फरियाद करने आया हूँ। ये राज्य में जो गरीबी है, जो बेकारी है, जो लोग अभाव की जिंदगी जी रहे, तो ऐसे लोगों की जिंदगी के चेहरे में मुस्कान आए, इसके लिए फौजदारी बाबा के दरबार में मैं आराधना करने आया हूँ, पूजन करने आया हूँ, ताकि फौजदारी बाबा हमें इतनी शक्ति दे कि आने वाले वर्षों में ये जो झारखंड देश का सबसे अमीर राज्य है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि यहाँ के लोग भी काफी गरीब हैं। तो आने वाले वर्षों में ये झारखंड को देश का नहीं, दुनिया की समृद्ध विकसित राष्ट्र की गिनती में झारखंड आए, ये आज फौजदारी बाबा से मैं शक्ति मांगने आया। दूसरा शक्ति, झारखंड की मेरी 3.25 करोड़ जनता है, ये हमारी 3.25 करोड़ जनता को फौजदारी बाबा, बाबा बैजनाथ बाबा इतनी शक्ति दे कि सरकार की शक्ति और जनशक्ति मिलकर आने वाले समय में जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जो देश को आह्वान किए, संकल्प से सिद्धि, तो आज हम संकल्प ले 2022 तक एक ऐसा झारखंड बना, एक न्यू जीन झारखंड, एक नया झारखंड, जिस झारखंड में कोई गरीबी ना रहे, बेरोजगारी न रहे, लोग अभाव की जिंदगी ना जी, ऐसा झारखंड हम सब मिलकर, सरकार की शक्ति और जनशक्ति मिलकर, ऐसा झारखंड हमारे में बनाना, और ये काम हम कर सकते हैं। हमारे लोगों में इतनी क्षमता है कि आने वाले वर्षों में हम झारखंड को 2022 तक एक नया झारखंड बना सकते हैं। देश का झारखंड एक ऐसा राज्य है जो देश का 40% रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन झारखंड में है। किसी राज्य, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, किसी राष्ट्र के पास इतनी संपत्ति नहीं है। उसी तरह झारखंड को अगर हम देखें तो ये प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। इस झारखंड में इतनी प्राकृतिक छटाएं हैं, इतने सांस्कृतिक टूरिज्म क्षेत्र हैं, इतने इको टूरिज्म क्षेत्र हैं, और झारखंड के अगर आप सब
क्षेत्र में घूमे तो मैं बार बार ये कहता हूं, प्राकृतिक ने दोनों हाथ से अपने सौंदर्य को झारखंड में लुटाया। अब इस प्राकृतिक छटाएं जिसे हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जा सकता है झारखंड। अब जो मसान जोर का आज हम लोग यहां ऑनलाइन के द्वारा जो उद्घाटन किए टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का, अब उस मसान जोर के आप को स्पॉट को देखें तो प्रकृति की सौंदर्य को चरितार्थ करता है। झारखंड के हर कोने में आप जाएं तो कहीं ना कहीं अब दुनिया का सबसे जो मोक्ष का मंदिर पारसनाथ बौद्ध का वो हमारे झारखंड में, द्वापर ज्योतिर्लिंग देवघर बासुकीनाथ में, रजरप्पा जहां 51 मां सती का जो गिरा वो हमारा हृदय वो रजरप्पा, भगवान बजरंगबली जन्म लिए अंजनी धाम घुमला। तो सांस्कृतिक टूरिज्म भी अगर हम देखें ईटखोरी जहां 3 धर्म का संगम बौद्धिज्म हिंदुज्म और जैनिज्म, उस सेक्टर मलोठी आपके ही संथाल परगना में मां तारा की बहन मलोठी, इन सेक्टर को अगर हम विकसित कर दें तो ना सिर्फ इस राज्य के जो नौजवान को गरीब को रोजगार मिलेगा बल्कि इस देश के और राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमें विदेशी मुद्रा भी भारत को प्राप्त। ये जो आने वाले समय में ये देवघर बासुकीनाथ जिस तरह विकास की ओर जा रहा, अब जो अभी एयरपोर्ट की अवधि विस्तार हो रही है, एम्स खोल रहे हैं यहाँ, ये जो देवघर और बासुकीनाथ की एरिया आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय शहर की मानचित्र में लाने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। देवघर में बाईपास रोड, ये रोड आपका 4 लेन देवघर से बासुकीनाथ, स्ट्रीट लाइट को भी हम लोग अब इलेक्ट्रिकल के द्वारा, अभी चल रहा था इसके द्वारा सोलर के द्वारा, तो आने वाले समय में इस सेक्टर में हमें अभी और काम करना, और इसीलिए हमारी सरकार हर सेक्टर में काम कर रही है क्योंकि हमें तेजी से विकास करना। ये 14 साल में जो राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो अलग राज्य के बाद जो झारखंड के लोग ने सपना देखा था उन सपना को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, और इसलिए हमें तेजी से विकास करना, और इस तेजी से विकास का उदाहरण मैं यहाँ के DC को बहुत बहुत और इनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने 3 साल का रोड हंसदिया और ये जो रोड का आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं ये 2 साल में करके दिखाया, ये तेजी का नाम। तो मैं DC और उनके टीम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टीम जिन्होंने जमीन अधिग्रहण का काम जल्दी किया और साथ ही सड़क के बनाने में जो संवेदनशीलता दिखाकर 3 साल के रोड को 2 साल में बना के दिया, इसके लिए मैं पूरे डीसी जिला प्रशासन DC और संवेदक जिसने इस रोड को बनाया मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं DC से चाहूंगा ऐसे संवेदक को आपको पुरस्कृत करना चाहिए जो समय से पहले कॉन्ट्रेक्टर संवेदक अगर अच्छी काम करता है तो सरकार को शासन को उसे प्रोत्साहित करनी चाहिए। ये तेजी से विकास का नमूना, इसलिए आज के दिन हम संकल्प ले ये जो देवघर और बासुकीनाथ और यहां से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मलूटी और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो माता, एक सर्किट पर्यटन के क्षेत्र में एक सर्किट माँ तारा पीठ से देवघर तक का सर्किट, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में देखेंगे आप और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएंगे, और आप देखें तो हर वर्ष चाहे बाबा देवघर हो नगरी हो चाहे बासुकीनाथ की नगरी हो हर साल पर्यटक बढ़ते जा रहे हैं। अब इस पर्यटक बढ़ने से आप देखें कितनी अर्थव्यवस्था, गांव की अर्थव्यवस्था हो चाहे शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
गांव में हमारे गरीब लोग को जो दुकान लगाए हुए हैं उनकी रोजी रोजगार चलती है, जो हमारी बहनें हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से बहुत ऐसी चीज बनाती है उनको भी एक मार्केट मिलता है। और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने तय किया कि जितने पर्यटक स्थल पर वहाँ हम पर्यटक अर्बन हार्ट बना रहे हैं, और वो हार्ट भी ऐसा हार्ट बनेगा ताकि बड़ा बड़ा पैसा वाला कार वाला को उस हार्ट में जाने में शर्म महसूस ना हो, ऐसा हार्ट बनाना ताकि जो हमारी झारखंड की महिलाएं जिसमें खासकर आदिवासी महिलाओं में उद्यमशीलता है कि विशेषता गुण है, इसको स्किल्ड कर, मैं यहाँ के उपायुक्त को और टीम को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारी दुमका की आदिवासी गरीब बहनों को जो पहले हड़िया बेचती थी आज वो फुटवेयर काम बनाने का काम। ये परिवर्तन, ये शासन और जनता और मिलके, इसी तरह हमने तय किया कि जितने कस्तूरबा विद्यालय में हम बच्चियों को जूता देते हैं सब हमारी झारखंड की ये जो हमारी बहनें हैं ये बहनों के द्वारा बनाया हुआ जूता सारा शिक्षा विभाग खरीदे ताकि हमारे गरीब को रोजगार मिले। ये जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना हर गांव गरीब किसान की 2022 तक आय को दुगुना करना, ये खेती से संभव नहीं हो सकता। सिर्फ खेती करके अगर हम हाथ धर के बैठे तो आय दुगुना नहीं होगी, इसलिए छोटे छोटे योजनाएं गांव में ग्राम उद्योग की छोटी छोटी योजनाएं बनाकर, जैसे यहाँ अगरबत्ती का भी फेमस है, मयूरी सिल्क महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है, अगरबत्ती बनाया जा रहा है, ये छोटी छोटी मेरी सोच है कि हर गांव में ग्राम उद्योग का जाल बिछे। तो ये जो झारखंड से पलायन होता है 9,000-10,000 रुपए के लिए अपने माता पिता घर को छोड़कर जो पलायन करता, और उस पलायन में भी देखिए हमारी बच्चियों के साथ कितना न सिर्फ आर्थिक शोषण होता है बल्कि शारीरिक शोषण होता है। तो इस कलंक को भी हमारी सरकार को हमें सरकार मिटाना है, इसके लिए भी मैं फौजदारी बाबा के पास शक्ति मांगने आया, हम सबको इतनी शक्ति दे कि झारखंड में जो कलंक है हमारे बच्चे बच्चियां 8,000-9,000 रुपए के लिए दूसरे राज्य जाते हैं उनको हम यही रोजगार। कुकुन झारखंड में मैं पहले सोचता था सिर्फ खरसवा कुचई में, लेकिन पता चला कि दुमका में सबसे ज्यादा। अब इस कुचई का सूत्राकार कुचई का या सॉरी दुमका में जो आपका सिल्क का सूता का कोकिंग का इतनी डिमांड है वर्ल्ड में, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कुछ कोकिंग से सूता उसकी भी डिमांड। अगर आप सूता इतना उत्पादन कर दे आंध्र प्रदेश में ही आपका सूता खप जाएगा, खरीदने को तैयार है। कुकुन का वर्ल्ड में इतनी डिमांड है कि हम कच्चा कुकुन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह झारखंड में इतने ऐसे चीज वन से उत्पादित चीजें उपज हो रही है, संथाल में बांस काफी लगते हैं। अब इस बांस का टोकरी जो हमारी दीदी बहने बनाती है इसका भी यूरोप कंट्री में इतनी डिमांड है। अभी लंदन थे दो लोग आए थे उनसे हमारी डिस्कस भी हुई, आयका के साथ दुमका में हम लोग करने जा रहे हैं, आपका फर्नीचर अब यूरोप कंट्री जाएगा, आपका महिलाओं के द्वारा हमारा टोकरी डिजाइन बनाया हुआ, हमने उनसे कहा कि आप यूरोप में कौन कौन बांस का जो डिजाइन चाहता है कलर चाहता है आप हमारी बहनों दीदी को यहाँ ट्रेनिंग दे दो, हमारी बहन दीदी बना देगी सारा सामान, वो खरीद के एक्सपोर्ट करने का काम उसका रहेगा, ताकि हमारी ये गांव में गरीब लोग को गरीब बहन को रोजगार मिल जाएगा। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आज इस मेला के माध्यम से हम लोग 36 योजनाएं जिसमें 21 योजना की शिलान्यास और 15 योजनाएं का उद्घाटन, यानी 3 अरब रुपये और 23,55,79,000 रुपये का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं। ये है विकास।
इसलिए मैं सभी जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, विकास ही सारी समस्या का निदान है। इसलिए आपका हमारा शासन का सबका दिमाग विकास में, तेजी से विकास करना और इसके लिए सकारात्मक सोच रखना। कुछ लोग पैदा लिए हैं नकारात्मक सोच के लिए, जिनका काम है नकारात्मक बातें ही करना। नकारात्मक बात करने वाले दुनिया में कुछ नहीं कर सकते और नकारात्मक करते करते वो लास्ट में देखिएगा डिप्रेशन में आते हैं, और डिप्रेशन में आने के बाद उनको ब्लड शुगर, तो डायबिटीज, तो ब्लड प्रेशर, लटर पटर, तरह तरह का बीमारी हो जाता है। लेकिन जो सकारात्मक बात करते हैं, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, वो आप देखिएगा कोई बीमारी बीमारी नहीं रहता, क्योंकि सोच उसकी सकारात्मक। तो आज एक आप ही के जिले के रहने वाले ने सकारात्मक सोच रखते हुए समाज के लिए एक एम्बुलेंस दान देने का काम किया। यह हमारी भारतीय संस्कृति में पुरानी परंपरा चली आ रही है कि हम जो समाज से अन्य पैसा कमाते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि फिर हमें समाज को रिटर्न करना। और इसीलिए देखे होंगे पुरखों के हमारे लोग कहीं तालाब खोदवाते थे, कहीं धर्मशाला बनाते थे, उसको फिर से शुरुआत करना। या हम और आप जितने लोग जन्म लिए, जब जन्म लिए थे तो मुट्ठी क्या था, बंद लेके जन्म लिए थे, और जब जाते हैं तो क्या खुला हाथ जाते हैं, ऊपर जाते हैं ना, कि ले दे के जाते हैं ऊपर, ले दे के जाते हैं, कौन कौन ले दे के जाते हैं ऊपर बताइए। तो जिस तरह सृष्टि में हम लोग जब बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी हाथ में रोते हुए जन्म लेते हैं, इसलिए कर्म ऐसा करो जब जाना हुआ तो हम हंसता हुआ जाए, जनता आपके लिए रोए, ऐसा कर्म हर इंसान को 3.25 करोड़ जनता को करते हुए ये झारखंड को हमें और तेजी से आगे ले जाने के लिए जो शंकर भगवान, सब लोग हम लोग शंकर भगवान का पूजा करते हैं, पर्व त्योहार में उत्साह भी आते हैं, लेकिन उस पर्व त्योहार के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य होता है। अब बताइए शंकर भगवान का छिपा हुआ उद्देश्य क्या है, किसी को पता है? शंकर भगवान के एक हमें प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा है जिस तरह शंकर भगवान जहर भी पचाते हैं, पचाते हैं ना, अगर बाबा बोलते हैं ना, देखिए ये भगवान शिव जहर पीने की और जहर पचाने की उसमें क्षमता, इसलिए हम सबको भी भगवान शिव इतनी शक्ति दे कि हम समाज में हर प्रकार की बुराइयां, कटुता, ये जो विकृति आई, आप देख रहे हैं समाज में छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार, डायन दिशा में हमारी बहनों माताओं को जला दिया जा रहा, ये जो समाज में विकृतियां आई, ये विकृतियां समाप्त करने का संदेश हमें भगवान शिव ने देता है। और हम भगवान शिव से आराधना करें, जिस तरह उनको जहर पीने की और पचाने की आदत है, ये समाज में विकृतियां उसको हमें भी पचाने की आदत करके हुए हमारे अंदर एक अमृत की वर्षा हो, और उस अमृत की वर्षा में हमारा मस्तिष्क, हमारा मन भी आपका स्वस्थ रहे। इसलिए भगवान शिव से हमें प्रेरणा लेते हुए, आराधना करते हुए, भगवान शिव हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे विचार आए, समाज के लिए अच्छे विचार आए, राज के लिए अच्छे विचार आए, देश के लिए अच्छे विचार, और छोटे छोटे काम से। अब यहाँ के डीसी साहब छोटे छोटे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम से भी बहुत परिवर्तन हो सकता। हमें देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, देश के लिए हमारे पुरखों ने सिद्धू कानू, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, टाना भगत, फूलो जानो बहनों ने अपनी बलिदानी दी, लेकिन हमें देश के लिए जीने का तो अवसर मिला है। तो देश के लिए जीने का अवसर मिला है, हम जिस मोहल्ले गांव टोले में रहते हैं,
ईमानदारी से अपनी गांव, मोहल्ला, टूले, समाज आगे बढ़े, इसकी चिंता करने की जरूरत है। जीने के लिए मत जियो, जीने के लिए तो पशु पक्षी भी जी रहा। पशु पक्षी को भगवान ने विवेक नहीं दी है, लेकिन इंसान को भगवान ने विवेक और बुद्धि दी है। इसलिए जो हमें जीना है दूसरों के लिए, और उस दूसरों में गरीब के लिए। गरीब की जिंदगी में सेवा करो तो आप देखिएगा, भले मंदिर मस्जिद मत जाए, लेकिन गरीब का आशीर्वाद लगता है। इसलिए इस बासुकीनाथ धाम के माध्यम से हमारे प्रशासन के लिए जो बताया आपको, यहाँ के डीसी ने पूरी तैयारी की है। कोई कमी बेसी होगी तो माफ करिएगा, उसको कमी बेसी को पिछले बार हम लोग सुधार करने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी त्वरित कोई काम होगा तो आप सीधे हमसे भी ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक में भी कर सकते हैं, जिला प्रशासन को भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो समस्या उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। इसी अंत में मैं इतना ही कहकर फिर से इस बासुकीनाथ मेला के अवसर पर मेला बहुत प्रिय शब्द है, क्योंकि मेला में मिठास है। मिठास है ना, मेला मेल मिलाप का एक साधन है। मेला में जो गांव, शहर, कस्बे में जो बनाया हुआ सामान का बिक्री का केंद्र बनता है, इसलिए मेला में हर तरह के चीज आपको प्राप्त होंगे। तो ये मेला जो प्रिय शब्द है, मेला जो मिठास का शब्द है, इस पे कोई कलंक ना लगे, ये बासुकीनाथ और देवघर की जनता की जिम्मेदारी है।